Assalamualaikum प्यारे लोगों, मैं हूं काशी और आप देख रहे हैं काशी शटर काउंट। So this video is going to be so interesting for those people जिनको weapons का बहुत शौक है। तो start करते हैं video को। जैसा कि आप title से समझ ही गए होंगे कि आज का जो video है वो एक रिव्यू है एक वेपन का, विच इज़ पिस्टल, विच इज़ 9mm कैलिबर। और हम बात करेंगे इस पिस्टल के बारे में, इसकी प्राइस के बारे में, इसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में और इसके यूजेज के बारे में। तो साथ रहिए। तो भाई, जैसा कि आपने देख लिया होगा कि ये पिस्टल दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब एक बार बंदा देख के एक बार कहता है कि वाह यार क्या चीज़ है। ये जो पिस्टल है वो अगर आप ओरिजिनल लेंगे मार्केट से तो आपको डिफरेंट प्राइसेस में मिलेगा, लेकिन ओरिजिनल की जो प्राइस है वो 1,50,000 से लेके 2,50,000 के बीच बीच में है। वो क्वालिटी पर डिपेंड करता है, आप कौन सी क्वालिटी लेना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप लोकली मेड इसको देखें, जो कि पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल होती है लोकल मेड, जो कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, असल में मेरे फ्लैट के नीचे बिल्कुल रोड है, मेन रोड, तो उसकी वजह से वो साउंड आ रही है। एनीवेज, मैं बात कर रहा था लोकल मेड पिस्टल्स की। तो पाकिस्तान में लोकल मेड पिस्टल्स बहुत ही आसानी से अवेलेबल होती हैं। लोकल मेड पिस्टल्स और ओरिजिनल में इनकी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, हालाँकि इनकी यूजेज में इतना खास डिफरेंस नहीं होता। तो प्राइस की अगर बात की जाए तो यही जो पिस्टल है, सॉरी मैं आपको पिस्टल का नाम बताना भूल गया, दिस इज़ ज़िगाना स्पोर्ट्स मेड बाय टीटास कंपनी, ठीक है। और जो ये लोकल मेड मिलती है वो मिलती है अराउंड 15,000 to 25,000 डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द पिस्टल। तो भाई पिस्टल मेरे सामने है वोरी, मैं आपको उतार के दिखाता हूँ अभी और इसका रिव्यू करते हैं। सो गाइज, ये है इस पिस्टल को कैरी करने वाला बेल्ट। मैं अगर आपको पूरा दिखा सकूँ तो इस बेल्ट को पश्तो में कहते हैं काश, मुझे नहीं पता है इसको उर्दू में क्या कहते हैं, पर ये बेल्ट मुझे तो बहुत बेस्ट लगा है। इस बेल्ट के अंदर आप ऐसे काफ़ी सारे बुलेट्स लगा सकते हैं जो कि दिखने में भी अच्छा लगता है ऑफकोर्स, और आपके पास एक बैकअप भी बन जाता है, बहुत अच्छा बैकअप बन जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आप दो मैगजीन्स लगा सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं एक ये और एक ये। जैसे कि इसके अंदर एक मैगजीन लगी भी हुई है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस मैगजीन के अंदर आती हैं अराउंड 14 बुलेट्स। ये है छोटी वाली मैगजीन। इस पिस्टल के साथ बेसिकली दो मैगजीन्स आती हैं, एक होती है छोटी वाली जिसका ये चीज़ थोड़ी छोटी होती है, और एक होती है बड़ी वाली जो इस टाइम पे मेरी पिस्टल के अंदर लगी हुई है, ठीक है, वो है ये वाली, दिस वन। अब इसका ये देखें अगर आप, तो अगर कंपेरेबली इसका और इसका, तो आपको डिफरेंस देखेगा कि ये वाली बड़ी है। जो बड़ी मैगजीन होती है इसके अंदर अराउंड 6 गोलियाँ इसके अंदर, सॉरी, इस मैगजीन में आती हैं 16 गोलियाँ और इस मैगजीन में आती हैं 12 गोलियाँ, ठीक है। सो दिस इज़ द पिस्टल, ये है पिस्टल, दिस इज ज़िगाना स्पोर्ट्स मेड बाय टीटास तुर्की। देखें अगर आपको मेरा कैमरा अगर फोकस कर सकता है, आई डोंट नो ये फोकस कर रहा है या नहीं, लेकिन ये लिखा हुआ है टीटास एस तुर्की, ठीक है। ये तो मुझे शुरू में कहना चाहिए था, पर मैं अभी बाद में कह रहा हूँ कि भाई वेपन्स का शौक़ बच्चों के लिए, आई डोंट थिंक सो कि ये सूटेबल है वेपन्स बच्चों के पास, बच्चों से दूर ही रखें इसको। और दूसरा, वेपन आप जब भी लें तो लीगल लें। अब मेरे पास जो वेपन है वो लीगल है, मेरे पास इसका लाइसेंस है,
तो आप मतलब अगर आप इलीगल वेपन लेते भी हैं तो आप बहुत गंदा फंस जाएंगे. सो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप जब भी वेपन लें तो आप लीगल तरीके से लें और लीगल प्रोसीजर से लें. खैर जहाँ तक यूजेज की बात है तो इसको यूज़ करने के लिए इसको बोलते हैं बोल्ट. ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको बोल्ट बोलते हैं. हमें फायर करने के लिए सबसे पहले हमें मैगजीन इंसर्ट करनी पड़ती है जूम करके. मैगजीन इंसर्ट होने के बाद मैगजीन जब इंसर्ट हो जाती है तो ये गिरती नहीं है जब तक आप इसको ये यहाँ पे एक बटन होता है जब तक आप इसको ना दबाएं. ठीक है, मैगजीन इंसर्ट करने के बाद आपने इसका ये जो ये इसको बोलते हैं बोल्ट, आपने इसका बोल्ट खींचना है. सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाया, असल में मैं कैमरा न्यू यूज़ करना स्टार्ट किया ना वीडियोग्राफी के लिए तो मुझे समझ नहीं आ रही. खैर इसको जूम करते हैं और जूम करके छोड़ देते हैं और देन फायर. सही है, इसमें एक सेफ लॉक होता है जो कि ये रहा, ये जहाँ पे रेड डॉट है इसको अगर आप नीचे की तरफ करते हैं तो ये फायर नहीं करेगा. जैसे कि आप देख सकते हैं ये इस टाइम पे कोई एक्शन नहीं कर रहा है, ये फ्री हो गया. लेकिन अगर आप इसको ऊपर की तरफ कर दें और फिर मैं अगर इसको दबाऊँगा तो अगर आप सुन सकते हैं तो ये अपना जो पूरा है एक्शन वो कर रहा है. बाकी ये कि इसकी शेप मुझे बहुत पसंद आई है, इसके आगे यहाँ पे होल्स हैं, ये होल्स इसको हीट होने से बचाते हैं. जब आप कंटिन्यूसली फायर करते हैं 2-3 मैगजीन्स तो आपकी पिस्टल हीट हो जाती है और आपका जो बैरल होता है वो फटने का इम्कान होता है. सो भाई ओवर एंड ऑल दिस इज़ अ वेरी गुड पिस्टल और इसका रिव्यू मैंने कर दिया है. बाकी ये है कि इसका एक टेस्ट में करूँगा इंशाल्लाह जल्दी, जैसे ही मुझे टाइम मिला इसका एक टेस्ट करूँगा जिसमें मैं इससे 2-3 मैगजीन्स फायर करूँगा. तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को शेयर कीजिए. इसके अलावा आपको किसी किस्म का सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और क्या आप चाहते हैं कि मैं इसकी टेस्ट फायर वाली वीडियो बनाऊँ? अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो बाई कमेंट्स. अपना ख्याल रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़.